11 के उर्दू खबर नामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। इस्लाह हाई स्कूल शास्त्रीपुरम में आज तुलबाओं के लिए सेमिनार ऑफ मोरल एजुकेशन एंड एक्सलेंस इन स्टडीज का सेमिनार का इंतजाम किया गया था। तुलबाओं को हर चीज के बारे में इस चीज का खुलासा किया था। तो नाज़रीन इस मौके पर स्पीकर जनाब शेख अयाज अली ने तुलबा को सेमिनार क्लासेस के हर चीज तफसीलात समझाए है। इंसान बनेंगे तब मुसलमान भी बनेंगे ना। फिर अगर आज हम इंसान नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठे होते हम लोग, किसी और जगह होते। अल्लाह सुब्हान व तआला का सबसे बड़ा करम यह है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें इंसान बनाया है, ठीक है। वी आर ह्यूमन बीइंग, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें इंसान बनाया। दूसरा अल्लाह सुब्हान व तआला का बड़ा करम जिससे एक बड़ी आबादी महरूम भी है, वह ईमान की दौलत हमारे पास है कि हमें अल्लाह तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया है। बहुत बड़ा अल्लाह का करम, दैट्स फैंटास्टिक। अल्लाह तआला ने हमें इंसान बनाया, वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस, अशरफुल मखलूकात। इंसान और जानवर में क्या फर्क? जी बोलिए। मेरा नाम अयाज अल शेख है। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ मखदूमी साहब का कि मुझे यहाँ पे बच्चों के साथ ये सेशन कंडक्ट करने का मौका दिया। दरअसल आज हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में तालीम का गलगला है। हर आदमी चाहता है कि तालीम अच्छी हो, उसके बच्चे पढ़ें लिखें। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, फरामोश कर रहे हैं, वो ये है कि वो अच्छे इंसान भी बने। क्योंकि अच्छा इंसान जब तालीम हासिल करेगा तो इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा, इंसानियत की खिदमत करेगा और इंसानियत की फलाह व बहबूद का काम करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अखलाकी तालीम नहीं होने की वजह से, मोरल एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये तालीम को ये लोग नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दुनिया में जो सारी खराबी, बर्बादी, टेररिज्म, झगड़े, फसाद हैं, ये वाइट कॉलर टाइप के लोग ही कर रहे हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की लेकिन तरबियत हासिल नहीं की। एक बात का ख्याल रखें कि तालीम की कमी को तरबियत पूरी कर सकती है लेकिन तरबियत की कमी को तालीम पूरा नहीं कर सकती। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ इस्लाह हाई स्कूल पे इकबाल अकेडमी से अयाजुल शेख साहब का हमने मॉरल एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज़ पे एक लेक्चर रखा था। हमारा इस लेक्चर का मकसद ये है कि बच्चों में जो दीन से दूरी हो रही है और मॉरल एजुकेशन से जो दूरी हो रही है और एजुकेशन जो अखलाक तमीज़ से दूरी हो रही है उसको बच्चों तक लेकर आएँ। अयाजुल शेख साहब ने काफ़ी अच्छी तफसीलात यहाँ पर बच्चों को बताई है कि इस्लाम क्या है और तालीम के साथ साथ तमीज़ तहजीब कैसे हमें सीखना है और दूसरों तक किसको पहुंचाना है, हुकूल इबाद क्या है और पेरेंट्स के रिस्पेक्ट क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीचर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बारे में यहाँ पे एक लेक्चर रखा गया। इस्लाह हाई स्कूल का सिर्फ एक ही एम है कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ तमीज़ तहजीब भी सीखें और अखलाक भी सीखें। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये थे आज के उर्दू खबरें। उर्दू, तेलुगु, हिंदी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के साथ आप देखते रहिए टीवी 11 चैनल को।